हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चेस्ट वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। पहला वर्कआउट हम यहाँ पर फ्लैट बेंच प्रेस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन रहेंगे 15, 12, 10, 8। तो पहला सेट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, 15 रिपीटेशन रहेंगे। यहाँ पे हम ओलंपिक बारबल की जगह सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये होम वर्कआउट है तो कुछ लोगों के पास बारबल अवेलेबल होगी, कुछ के पास नहीं होगी। तो जो भी हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है उसके साथ हम वर्कआउट करेंगे। सेकेंड सेट 12 रिपीटेशन यहाँ पे हम लगाएंगे। अगर आपके पास बेंच अवेलेबल नहीं है तो आप फ्लैट सरफेस पे भी लेट कर ये वर्कआउट कर सकते हैं। थर्ड सेट 10 रिपीटेशन यहाँ पे लगाएंगे। वेट आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, जितना वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं और रिपीटेशन लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वेट लें। फोर्थ लास्ट सेट 8 रिपीटेशन रहेंगे। यहाँ पे आप सिलेंडर की जगह डंबल्स हैं तो डंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वर्कआउट है फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई। इसके हम 4 सेट लगाएंगे, रिपीटेशन रहेंगे 20, 17, 15, 12। पहला सेट 20 रिपीटेशन यहाँ पे लगाएंगे। अगर आपके पास डंबल्स अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे पानी की बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप सैंड भर देंगे तो उनका वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो इजीली आप डंबल फ्लाई लगा सकते हैं। सेकेंड सेट 17 रिपीटेशन लगाएंगे। अगर आपके पास बेंच अवेलेबल नहीं है तो आप फ्लैट सरफेस पर लेट कर भी इस वर्कआउट को कर सकते हैं। थर्ड सेट 15 रिपीटेशन यहाँ पे हम लगाएंगे। फोर्थ और आखिरी सेट जिसमें हम 12 रिपीटेशन लगाएंगे। रिपीटेशन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड वर्कआउट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं फ्लैट सरफेस पुशअप्स या नॉर्मल पुशअप्स। 4 सेट इसमें हम लगाएंगे, रिपीटेशन रहेंगे 15, 12, 10, 8। फर्स्ट सेट इसमें हम 15 रिपीटेशन लगाएंगे। नॉर्मल पुशअप्स वेरी कॉमन एक्सरसाइज है जिसे हम कहीं भी कर सकते हैं, घर पे, जिम में या फिर किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड सेट 12 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। थर्ड सेट जिसमें हम 10 रिपीटेशन लगाएंगे। रिपीटेशन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का स्ट्रेंथ लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। फोर्थ और आखिरी सेट जिसमें हम 8 रिपीटेशन लगाएंगे।
फोर्थ वर्कआउट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं इंक्लाइंड बेंच प्रेस। इसमें हम 4 सेट लगाएंगे, रिपीटेशन रहेंगे 15, 12, 10, 8। फर्स्ट सेट 15 रिपीटेशन यहाँ पे हम लगाएंगे। अगर आपके पास इंक्लाइंड बेंच है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास इंक्लाइंड बेंच नहीं है तो जैसे मैंने बेंच को इंक्लाइंड कर रखा है तो आप ऐसे उसको यूज़ करके ये वर्कआउट कर सकते हैं। सेकेंड सेट 12 रिपीटेशन यहाँ पे हम लगाएंगे। यहाँ पे भी मैं सिलेंडर का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास बारबेल है या फिर डंबल्स हैं तो आप उनका यूज़ करके भी ये वर्कआउट कर सकते हैं। थर्ड सेट 10 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। इस वर्कआउट में पूरा फोकस हमें अपर चेस्ट पे करना है ताकि अपर चेस्ट अच्छी तरह पंप हो जाए। फोर्थ और आखिरी सेट जिसमें हम 8 रिपीटेशन लगाएंगे। रिपीटेशन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिफ्थ वर्कआउट इंक्लाइंड बेंच डंबल फ्लाई है। इसके हम 4 सेट लगाएंगे, रिपीटेशन लेंगे 20, 17, 15, 12। फर्स्ट सेट 20 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। यहाँ पर भी आप डंबल की जगह वाटर बॉटल का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास डंबल अवेलेबल नहीं है। सेकेंड सेट 17 रिपीटेशन यहाँ पे हम लगाएंगे, पूरा फोकस अपर चेस्ट पे होगा। थर्ड सेट 15 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। इस वर्कआउट में भी आप रिपीटेशन अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फोर्थ और लास्ट सेट जिसमें हम 12 रिपीटेशन लगाएंगे। इस वर्कआउट में भी आप डंबल का वेट अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिक्स वर्कआउट है डिक्लाइन पुशअप्स। इसमें हम 4 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन रहेंगे 15, 12, 10, 8। फर्स्ट सेट 15 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। इस पुशअप्स में आपको अपनी लेग्स को बेंच पे या फिर किसी भी अपर सरफेस पर रखकर इस वर्कआउट को करना है। सेकेंड सेट 12 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। थर्ड सेट 10 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। इस वर्कआउट में भी आप अपने अकॉर्डिंग रिपीटेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फोर्थ और आखिरी सेट जिसमें हम 8 रिपीटेशन लगाएंगे। सेवंथ वर्कआउट है डिक्लाइन बेंच प्रेस। इसमें हम 4 सेट लगाएंगे, रिपीटेशन रहेंगे 15, 12, 10, 8। फर्स्ट सेट 15 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे।
इस वर्कआउट में भी हम सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास जिम रॉड या बारबल या प्लेट्स अवेलेबल हैं तो आप उससे भी ये वर्कआउट कर सकते हैं। सेकेंड सेट 12 रिपीटेशन इसमें आपको लगाने हैं। इस वर्कआउट में भी आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड सेट 10 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। इस वर्कआउट में भी आप सिलेंडर की जगह डंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ और लास्ट सेट जिसमें 8 रिपीटेशन हम लगाएंगे। एट्थ वर्कआउट है डिक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई। इसके हम 4 सेट लगाएंगे, रिपीटेशन रहेंगे 15, 12, 10, 8। फर्स्ट सेट 15 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। इस वर्कआउट में भी हम डंबल की जगह वाटर बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड सेट 12 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। इस वर्कआउट में भी आप रिपीटेशन अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। थर्ड सेट 10 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। फोर्थ और लास्ट सेट जिसमें हम 8 रिपीटेशन लगाएंगे। नाइन्थ और लास्ट वर्कआउट है इंक्लाइन पुशअप्स। इसमें हम 4 सेट लगाएंगे और रिपीटेशन रहेंगे 12, 10, 8, 6। फर्स्ट सेट 12 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। इसमें भी आप रिपीटेशन अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड सेट 10 रिपीटेशन इसमें हम लगाएंगे। थर्ड सेट जिसमें हम 8 रिपीटेशन लगाएंगे। इस वर्कआउट में आपको अपने हैंड्स को किसी अपर सरफेस पे और लेग्स को लोअर सरफेस पे रखकर पुशअप्स लगाने हैं। फोर्थ और लास्ट सेट जिसमें 6 रिपीटेशन आपको लगाने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।